बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सरफराज़ एकेडमी जानिब से एक नए वीडियो के साथ हाजिर। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इस तरह की बहुत सी वीडियो में लाने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। आज का हमारा टॉपिक है, अगर आपका कोई दोस्त, फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, कोई रिश्तेदार अगर सऊदी अरबिया में रहता हो, वो चाहे तो अपने सावा या एसटीसी की सिम या नेटवर्क से आपके पाकिस्तान में किसी भी मोबाइल पर बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकता है, बैलेंस टॉप अप यानी कि आपके नंबर पर इजी लोड कर सकता है अपने ही नेटवर्क से। तो बाद दफ़ा यूँ होता है किसी मजबूरी की वजह से वो शॉप पर भी नहीं जा सकता या किसी मसरूफियत की वजह से। तो आज मैं आपको ऐसा टिप्स बताने वाला हूं, तो वो अपने ही मोबाइल नेटवर्क से यानी कि सावा या एसटीसी की सिम से आपके नंबर पर बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकता है ईजीली घर बैठे, वो भी किसी भी टाइम। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि राइट मैसेज में आना है। राइट मैसेज में आने के बाद इधर कंपोज मैसेज करेंगे। कंपोज मैसेज में इधर मैसेज में हमें लिखना है राइट में 133 लिखना है। 133 लिखने के बाद इधर हमें क्या करना है, स्टार देना है। स्टार देंगे, स्टार देने के बाद इधर हमें 92 देना है। 92 देने के बाद इधर जिस नंबर पर वो बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहता है वो नंबर यहाँ पे लिखेगा। यानी इधर हमें ये इस ख्याल रखना है कि इधर ज़ीरो हमें नहीं देना है 92 के बाद, यानी कि जिस नंबर पर बैलेंस वो ट्रांसफ़र करना चाहता है पाकिस्तान में किसी भी नेटवर्क पर, तो सिंपल उधर उसका नंबर देगा। तो इधर मैंने RZ123 लिख दिया। नंबर लिखने के बाद इधर हमें स्टार देना है। स्टार देने के बाद इधर हमें अमाउंट लिखना है। अमाउंट मिनिमम 5 रियाल उसके मोबाइल में होने चाहिए। जी हाँ व्यूअर, कम से कम 5 रियाल उसके सिम में होने चाहिए, तब वो बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकता है। स्टार के बाद इधर हम 5 यानी कि वो ज़्यादा भी आपको ट्रांसफ़र कर सकता है, 10 रियाल, 15 रियाल या 20 रियाल, उधर मुख्तलिफ ऑप्शन है, जितना वो चाहे तो आपके नंबर पर ट्रांसफ़र, यानी कि मिनिमम जो है वो 5 रियाल अमाउंट है। इधर 5 रियाल लिखेगा और उसके बाद सेंड करेगा। सेंड किस नंबर पर करेगा, इधर लिखेगा ये मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है इसी वजह से ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, 01500। जी हाँ, इधर मैसेज में ये लिख के उसे सेंड पे किस नंबर पर करना है, 01500, और इसे सिंपल सेंड कर देगा। जिस तरह से सेंड कर देगा तो थोड़ी इधर मेरा नेटवर्क का मसला है इसलिए नहीं हो रहा, जिस तरह वो सेंड कर देगा वो अमाउंट आपके नंबर पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये था आज मेरा छोटा सा वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो कांडल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इस तरह की बहुत सी वीडियो में लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।